दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी कश्यप 10 मार्च को उस स्थान पर पहुंची जहां केशवपुरा मंडी के पास दिल्ली जल बोर्ड संयंत्र के अंदर एक व्यक्ति 40 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। इसको लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये तो एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इशू रहेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इशू इसलिए रहेगा क्योंकि अगर कोई ये फुल फ्लेज्ड एडल्ट है, मतलब जैसे कई बार हमें ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं कि कोई बच्चा बोरवेल के अंदर गिर गया, पर ये तो कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, ये एक एडल्ट है, तो क्या इसमें किसी प्रकार की इंटेंशनैलिटी थी, क्रिमिनैलिटी थी? मुझे लगता है ये तो पुलिस उसके बाद जांच करेगी। अभी हमारा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशंस पर है। दूसरा, यहाँ पे हमारे दिल्ली जल बोर्ड के सारे अधिकारी भी मौजूद हैं। हमने उन्हें सख्त आदेश दे दिए हैं कि जो भी अफसर इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। दूसरा, हमने ये भी आदेश दे दिए हैं कि पूरी दिल्ली में अगर कहीं पर भी अबैंडन्ड बोरवेल्स हैं तो 48 घंटे के अंदर अंदर उनको वेल्डिंग के साथ सील करना जरूरी है। मैम, एक राजनीति भी शुरू हो गई इस पे, इसको लेकर नारेबाजी भी की जा रही है खिलाफ में, विभाग के खिलाफ में, कि विभाग की लापरवाही बता रहे हैं लोग। देखिए, ये विभाग की लापरवाही तो शायद नहीं है क्योंकि ये एक सिक्योर्ड अबैंडन्ड बोरवेल था जो एक लॉक एंड की के अंदर, एक बंद कमरे के अंदर ये बोरवेल था। लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से इसकी जाँच करेंगे। कोई व्यक्ति, चाहे वो बच्चा तो नहीं है, चाहे वो एडल्ट ही हो, इसके अंदर गिरा है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आगे फिर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। इसलिए अफसरों पर सख्त एक्शन भी ज़रूरी है, और जैसा मैंने कहा, 48 घंटे के अंदर अंदर सारे जो कहीं पर भी पूरी दिल्ली में अबैंडन्ड बोरवेल हैं किसी भी विभाग के, उनको हम सील करवाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि केशवपुर मंडी के पास दिल्ली जल बोर्ड संयंत्र के अंदर 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरे एक व्यक्ति का शव रविवार को बचाव कर्मियों द्वारा बाहर निकाले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और दिल्ली पुलिस की टीमें दिन भर घटनास्थल पर पहुंची गई थी और एनडीआरएफ के प्रभारी निरीक्षक वीर प्रताप सिंह भी मौके पर मौजूद थे। करीब 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने शख्स को बाहर निकाल लिया। वहीं उसके पार्थिव शरीर को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भेजा गया है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर कहा कि मुझे बहुत दुख के साथ यह खबर साझा करनी पड़ी है कि बोरवेल में गिरे व्यक्ति को बचाव दल ने मृत पाया है। भगवान उन्हें अपने चरण में स्थान दे। वहीं आपको बता दें कि आतिशी ने पहले निरीक्षण करने के दौरान जायजा जब ले रही थी, उस वक्त उन्होंने कार्रवाई करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रथम सूचना के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे बोरवेल रूम में कैसे दाखिल हुए, वे बोरवेल के अंदर कैसे गिरे, इसकी पुलिस जांच करेगी। आतिशी ने लिखा कि मैं एनडीआरएफ टीम को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने कई घंटों तक बचाव अभियान में हर संभव प्रयास किया। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।